दोस्तों मैं आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांववाले.com से आप देख रहे हैं खातेगांववाले.com। खातेगांव के आसपास की हर एक छोटी बड़ी खबर को सीधे अपने फोन पर पाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। अगर आप डिजिटल विज्ञापन कराना चाहते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। काले कानून वापस हो। काले कानून जिंदाबाद। बाबा जी के काले कानून वापस हो। काले कानून वापस हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। काले कानून वापस लो। काले कानून वापस लो। समर्थन मूल्य की गारंटी। एक है सन एकता जिंदाबाद। सन एकता जिंदाबाद। सन एकता जिंदाबाद। हम सब एक है। हम सब एक है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा टिकट हमारा है। बाबा टिकट हमारा है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। भारत माता की जय। काले कानून वापस लो। काले कानून वापस लो। बाबा टिकट जिंदाबाद। बाबा टिकट हमारा है। राकेश टिकट जिंदाबाद। साथियों, तीन काले कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन खातेगांव में चल रहा है। दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के किसानों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए और भंडारे का भी लाभ लें। हम यहाँ सभी किसान, जो किसानों पे अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि देश का असली अन्नदाता है, जिसके द्वारा ही पूरे देश का पालनहार है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे पूरा सभी लोग किसान पीड़ित है। और इनकी मांगे जो MSP का समर्थन मूल्य देने में सरकार को दिक्कत क्या है, सरकार किस दबाव में इस निर्णय को पारित क्यों नहीं कर रही है। MSP एक्ट किसानों की मूल मांग है, ये अगर पूरी हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अर्थव्यवस्था हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, देश की बेरोजगारी की समस्या भी कम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा किसान खेती को और झुकाव बढ़ेगा। जो आज खेती छोड़ के किसान मजदूरी की ओर अग्रसर हो रहा है, ये देश के लिए एक सबक है। अभी भी जाग जाओ, वरना आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। जय जवान। देखिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों के विरोध में, उसी के समर्थन में ये चौथा दिन है खातेगांव में, और क्षेत्र के सभी किसान धरना स्थल पर पधार रहे हैं। भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब यहाँ रखी गई है, और 6 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन हम रखने जा रहे हैं। उसमें कम से कम 10,000 लोगों से ऊपर लाने की व्यवस्था रखी गई है, और जितने भी किसान आएंगे हरदा, नसरुल्लागंज, सतवास या क्षेत्र के, सभी की महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं हम खातेगांव में, इसी स्थल पर। ये आंदोलन का आज तीसरा दिन, चौथा दिन है, और 4 दिनों से निरंतर आप देख रहे हैं कि संख्या जो है बरकरार है। क्षेत्र के किसानों में बड़ा जोश है, और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्षेत्र के किसानों में अति जोश है, और सरकार के खिलाफ अति आक्रोश है। और आप देख रहे हैं कि साइड में निरंतर भंडारा चल रहा है, चाय की व्यवस्था है, और ये आगामी जब तक कि दिल्ली में आंदोलन चलेगा तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। पहले ये बताना चाहूँगा कि हम दिल्ली के किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज़, जो देश में एक तबके के द्वारा एक हल्ला चलाया जा रहा है देश में, कि किसान काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा है, और भी अन्य फलदार जो चीज़ें हैं सभी खा रहा है, तो मैं आप उनको बताना चाहूँगा कि देश का अन्नदाता ये चीज़ें उगाता है तो क्यों ना खाएं। हम भी इस बार जो खातेगांव में धरना चल रहा है उसमें गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, केले, अंगूर, इन सारी चीज़ जो चीज़ें हम उगाते हैं वही हम यहाँ खा रहे हैं। हम भूखे क्यों रहें।
और हम दूसरों को भी खिला रहे हैं और इसी के साथ पूरा किसान समाज हमारा बैठा और यहाँ से पूरा देश को हम दिखाएंगे कि जो चीज हम उगाएंगे वो हम ही खाएंगे। क्या आप भी खाओगे? देश का किसान भी खा सकता है। क्या आपका मतलब मकसद क्या है? मोदी जी के किसान के विरोध में जो काला कानून लाया है मोदी जी, उसके विरोध में सारे किसान बैठे हैं। कब तक बैठे रहोगे? हाँ, निश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। अभी तक कोई सरकारी प्रशासनिक कोई भी आया? नहीं, कोई नहीं आया। अभी नहीं आया कोई भी अधिकारी? कोई नहीं आया।